11 मार्च 2022 को राज्य में तीसरे मोर्चे का गठन किया गया था, जिसका नाम दिया गया था झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। इस मोर्चे में आजसू, एनसीपी, निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव शामिल हुए थे। लेकिन एक साल बाद भी यह तीसरा मोर्चा तीन कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा और कांग्रेस से दूरी बनाते हुए विधायक सरयू राय और सुदेश महतो और कमलेश सिंह ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया था। तब कहा गया था कि यह मोर्चा विधानसभा में अलग आवाज के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तीसरा मोर्चा एक साल बाद भी तीन कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। तीसरा मोर्चा पूरी तरह से वजूद में कभी दिखाई नहीं पड़ा, न सदन के भीतर और न ही सदन के बाहर। मोर्चा है क्यों नहीं, जो भी जरूरी सवाल होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लोग मिलजुल कर उसका भी प्रयास करेंगे। मोर्चा है, एक्टिविटी जब समय वैसा रहेगा तो जरूर दिखलाई देगा। मोर्चा है, हाँ एकदम है, हम लोग एक साथ हैं। इस तीसरे मोर्चे की झारखंड की राजनीति का नया प्रयोग बताया गया था। कमलेश सिंह ने कहा था कि यह मोर्चा एक नया प्रयोग है, इसका चमत्कार जल्द ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजद, भाकपा माले और झामुमो ने तो कहा कि उन्हें जानकारी तक नहीं है कि राज्य में किसी ने तीसरे मोर्चे का गठन भी किया था। तीसरे मोर्चे के जो सदस्य हैं वो बताएंगे किस उद्देश्य से बना था और क्या बना था, क्या है, तो ज्यादा बेहतर तो ये लोग बता सकते हैं। आपको नहीं है ये जानकारी? मोर्चा था, ये मोर्चे के लोगों से पूछिए वो किन उद्देश्यों को लेकर के बना था, बताते हैं। नहीं ऐसा है ब्रदर, ये सवाल आप उन्हीं से पूछते कि वो लोकतांत्रिक मोर्चा कहाँ गया तो अच्छा रहता। इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ऐसे ऐसे मोर्चे बहुत सारे हिंदुस्तान में बनते हैं और बिखर जाते हैं। तीनों मोर्चा का तीन विचारधारा है। सरजू राय जी तो आरएसएस और भाजपा के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सुदेश महतो भी उसी के पीछे पीछे चलते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में छटक करके पिछड़ी जाति के लाइन में आ जाते हैं, लेकिन सोच वही है उनका। और कमलेश सिंह तो जैसा समय वैसा काम। फिलहाल आज सरयू राय, सुदेश महतो, कमलेश सिंह के नेतृत्व में बनाए गए तीसरे की पहली वर्षगांठ है, लेकिन शायद अब इस मोर्चे को हैप्पी बर्थडे कहने वाला भी कोई नहीं। भारत और झारखंड की राजनीति में वक्त वक्त पर तीसरे मोर्चे का गठन होता रहा है, लेकिन अफसोस यह तीसरा मोर्चा पानी के बुलबुले से ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरयू राय का यह तीसरा मोर्चा किस हद तक अपना पैर जमा पाता है। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा जिसमें आजसू जो अभी एनडीए का हिस्सा है, एनसीपी जो कांग्रेस का हिस्सा है, और उसमें सरयू राय जो निर्दलीय विधायक हैं, और इन सभी का एक बना झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। एक साल हो चुके हैं लेकिन आज के दौर में कोई इनका नाम लेवा नहीं है। क्या कुछ स्थिति है जमीन पर? क्योंकि जब हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे महागठबंधन बनते हैं, अलग अलग मोर्चा बनते हैं, लेकिन जब उनके बात होती है कि राजनीतिक प्रभाव क्या है तो एक पानी के बुलबुले के समान ही होता है, उसके अलावा उनका जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और ऐसा ही लग रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का हो चुका है। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। आज 11 मार्च, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो 11 मार्च 2022 को एक बहुत ही बड़े शायर ने शेर कहा है कि बहुत शोर सुना था पहलू में दिल का, चीरा तो कतरा ये खून भी ना निकला। कुछ ऐसा ही हाल 11 मार्च 2022 को गठित झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का है। बहुत उम्मीदों के साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उसके बाद एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक अमित यादव ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया था और उस वक्त का वीडियो न्यूज 11 के पास है। उस वक्त सुदेश महतो ने कहा था कि एक नया प्रयोग हम लोग झारखंड की राजनीति में करने जा रहे हैं। कमलेश सिंह ने भी यही कहा था कि एक नया प्रयोग है, तीसरा मोर्चा। हम ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहेंगे, ना कांग्रेस की तरफ, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ, बल्कि यह मोर्चा आने वाले दिनों में एक ऐसी लंबी लकीर खींचेगा झारखंड की राजनीति में, जिसके माध्यम से कई अन्य लोग भी इस मोर्चे में शामिल होंगे। बहुत अच्छा लगा था उस वक्त सुनने को कि कम से कम झारखंड की राजनीति में तीसरा मोर्चे के गठन हो चुका है। भारतीय राजनीति में अब देवी लाल की बात करें, देवी लाल से लेकर तमाम तरह के नेताओं ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। भारतीय राजनीति में कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा से इतर एक ऐसा मोर्चा बनेगा जो कि संसदीय चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ये भारतीय राजनीति की बात है, लेकिन झारखंड में जब आएंगे तो आज एक साल हो गए झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के गठन का, लेकिन आज इस मोर्चा को कोई हैप्पी बर्थडे कहने वाला नहीं था। कमलेश सिंह से जब न्यूज 11 के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मोर्चा है। हमने पूछा कि मोर्चा बेशक है, एक्टिविटी कहाँ है? उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे एक्टिव भी करेंगे। सरजू राय बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए, सुदेश महतो से मुलाकात विधानसभा में नहीं हो पाई। कहना मतलब यह है कि इस मोर्चे का जिस प्रकार से गठन हुआ उसकी परिभाषा काफी व्यापक थी। यदि इस मोर्चे को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन अफसोस यह मोर्चा एक साल पहले बना। कुछ दिनों तक लगा कि शायद यह मोर्चा झारखंड की राजनीति में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगभग एक साल हो गए, मुझे लगता है कि खुद मोर्चा के नेताओं को भी जानकारी नहीं होगी कि ये मोर्चा का गठन कब हुआ था। आज एक साल बाद जब इस मुद्दे पर आप इस तीसरे मोर्चे के नेताओं से बात करेंगे, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और ज्यादा दूर ना जाए, रामगढ़ के उपचुनाव में आसू ने भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ा और आरजेडी का रिएक्शन हमारे दर्शकों ने सुना कि जो तीसरे मोर्चे के तीन नेता हैं, सरयू राय, सुदेश महतो और कमलेश सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तीनों तीन ध्रुव के रहने वाले हैं। कोई दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, कोई उत्तरी गोलार्ध में, कोई भूमध्य सागर की तरफ रहता है। किसी की विचारधारा एक दूसरे से नहीं बैठती है, ये हकीकत है दीपक। ये सवाल मौजूद सवाल इसलिए न्यूज 11 उठा रहा है कि क्या इस मोर्चे का गठन किसी को डराने के लिए की गई थी, किसी को चेतावनी देने के लिए की गई थी, या फिर इसका एक लंबा मैसेज, एक बड़ा मैसेज था। लेकिन तीनों ही सवालों का जवाब होगा कि ये वक्त के साथ बनाई गई एक ऐसा मोर्चा था जिसका हो सकता है कि बाद में कोई प्रभाव दिखाई पड़े, लेकिन अभी इस मोर्चे का कोई अस्तित्व। बिल्कुल आपने सही कहा अजय जी कि वक्त के साथ गठबंधन बनते हैं और फिर वक्त के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि जो आजसू उस मोर्चे में शामिल था वही आजसू अभी हाल ही में रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता है। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया अजय लाल जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।